मेरे घर पे भी सेम ऐसी ही पूजा होती है। घर पे शिव जी को स्थापित किया जाता है, उन्हें आसन पे बिठाया जाता है, उनका राज्य अभिषेक रुद्र अभिषेक किया जाता है पंचामृत के साथ, फिर उन्हें बेलपत्र चढ़ते हैं, धतूरे चढ़ते हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं बचपन से करते आई हूँ। देखिए घर वालों ने तो हमेशा से हेल्प किया ही है, उन्होंने ही बहुत सारी चीज़ें बताई है कि किस वेद में क्या है और क्या हमारे हिस्टोरिक है, हमारे हिस्टोरिक वेद्स में क्या है, और भगवानों का जो भी पुराने कथाएं हैं वो हमारे को हमारे माता पिता से और फैमिली से ही पता चली है। तो वही छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे भी किरदार करने से पहले मेरे पापा ने बताया कि बेटा ऐसा होता है, ये एसेंस है, वहाँ जाओ, अगर हरिद्वार जा रहे हो तो गंगा जल घर लेकर के आना, वो पवित्रता का एक प्रतीक माना जाता है, घर में छिड़काओगे आप तो एक सुख शांति का प्रतीक होता है। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है हमारी फैमिली हम सभी को थोड़ा थोड़ा इनकलकेट करते रहते हैं और उसी से हम जुड़ते भी रहते हैं। तो वही सारी रिसर्चेस हैं जो शो के रिलेटेड भी जो मैंने थोड़ी बहुत करी और यहाँ पर परफॉर्म करने को मुझे मिला है। चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, जो यहाँ पे करने को मिली स्टोरी से पता चला कि अच्छा उनका मिलन जो महादेव और गंगा माँ का था, उनके जटाओं में वो किस तरीके से जाती है, वो जो स्टोरी है बैक स्टोरी वो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता थी। तो जो अभी जब मुझे किरदार करने को मिला तो मुझे जा कर के पता चली है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर नहीं सकती हूँ। तो जब आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी बैक स्टोरी है क्या। तो हाँ, मतलब ये सारे किरदार प्ले करने से हमारी खुद की नॉलेज भी बहुत बढ़ती है, हमें हमारे वेदों के बारे में पता चलता है, हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। चैलेंजेस बहुत सारे थे, मेरा फर्स्ट माइथो शो है तो चैलेंजेस तो बहुत है, क्योंकि दिव्य शक्ति है, आपने आपको नहीं पता है कि किस तरीके से हमें क्या चीज़ें करनी है, कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट था, मैंने सिर्फ रेफरेंसेस देखे हुए हैं। बट हाँ, हमारे डायरेक्टर सर ने बहुत हेल्प किया है, एक एक छोटी छोटी चीज़ें, वो कैरेक्टर, उनके नुएंसेस, उनको पकड़ने में उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है। तो वो सारी चैलेंजेस हैं, और साथ में जो हिंदी होती है वो तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि हाँ, वो जो स्पष्ट और शुद्ध हिंदी होती है ना, वो हम रोज़मर्रा में नहीं बोलते हैं, विच इज़ अ बैड थिंग, मैं अभी भी ये बोलूँ। बट यस, ये सारी चीज़ें हमें अपनी संस्कृति के साथ और भी जोड़ते हैं। शूट के लिए गई थी हरिद्वार, तो वहाँ से मैं जब आई, मतलब विद इन 2 to 3 days ही मुझे पता चला कि मैं गंगा माँ के लिए मैं सिलेक्ट हुई हूँ और मुझे ये किरदार करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसी के साथ साथ जो काम होता है वैसे, तो मुझे जिस दिन पता चला उसके नेक्स्ट डे मुझे शूट के लिए आना था, तो हुई सारी चीज़ें एकदम से इंस्टेंट। बट हाँ, ऑन द वे मैंने थोड़ी चीज़ें पढ़ने की कोशिश करी कि कैसे क्या क्या एसेंस है। बाकी हमें तो सबको पता है कि हाँ, हमने हमेशा से यही सुना है कि गंगा में डुबकी लगाओ, आपके पूरे पाप धुल जाएंगे और जितने भी हमारे पूर्वजों की जो शांति है वो वहाँ से मिलती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने भी पढ़ी, डिटेलिंग भी पढ़ी कि क्या एक्चुअली क्या रोल है हमारी हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में गंगा माँ का। तो वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, और साथ में माइथो कैरेक्टर्स थोड़े मुश्किल होते हैं करने, क्योंकि साथ में एक तो आपको उस अवतार में आना होता है, वो कामनेस, वो पॉइसनेस, वो ग्रेस आप में होनी चाहिए और वो आपके किरदार में आनी भी चाहिए, और साथ ही जो डायलॉग्स होते हैं ना वो इतनी स्पष्ट शुद्ध हिंदी होती है, जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। तो हाँ, उन पे काम करना मैं यहाँ पे सीख रही हूँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा।